एवरीवन, सो वेलकम बैक टू विजय सर्स एकेडमी। तो गाइज, आज के इस वीडियो में देखेंगे काफ़ी सैड न्यूज़ जो रिसेंटली इंडियन गवर्नमेंट ने टोटल 117 ऐप्स को बैन कर दिया है। उन टोटल 117 ऐप्स में सबसे इम्पोर्टेंट ऐप जो पूरे भारत में कुछ एक न्यूज़ की तरह फैल चुका है, जो है पबजी। तो पबजी गेम फाइनली बैन हो चुकी है। तो इसके अंदर इस पर्टिकुलर वीडियो में हम देखेंगे कि क्या रीज़न था जो इंडियन गवर्नमेंट ने इतना बड़ा कदम उठाया है पबजी को बैन करने का, और किस बॉडी ने इस डिसीजन को लिया है, और क्या क्या रीजंस हो सकते थे। लाइक इंडिया चाइना के बीच में हमें जैसे पता है कि प्रॉब्लम्स काफ़ी चल रही हैं, जैसे रिसेंटली ईस्टर्न लद्दाख बॉर्डर के ऊपर काफ़ी प्रॉब्लम चल रही है। तो देखते हैं क्या क्या कारण हो सकते हैं इसके। तो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने रिसेंटली 2 सितंबर को शाम को अराउंड 5:25 पे इस ऐप बैन का डिसीजन लिया हुआ है। तो उन्होंने बताया है कि टोटल 117 ऐप को उन्होंने बैन कर दिया, जिसके अंदर वीचैट आता है, वीचैट वर्क आता है। तो इस डिसीजन को लेने का मेन कारण इंडियन गवर्नमेंट का ये रहा है कि इंडिया और चाइना के बीच में जो बॉर्डर्स पे प्रॉब्लम चल रही हैं, एक वो तो प्रॉब्लम है ही, उसके वजह से इसे किस ग्राउंड पे उन्होंने लिया है। तो इंडिया की सॉवरेनिटी और इंटीग्रिटी को काफ़ी हानि पहुंच रही थी, इसे काफ़ी हर्ट हो रहे थे हम लोग उस चीज़ से, और इंडिया के डिफेंस पे भी इससे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम था। एक सिक्योरिटी रीजंस के कारण ऐसे ऐप बैन का डिसीजन लिया गया है। इंडियन का स्टेट की सिक्योरिटी के लिए ऐसे डिसीजन लिए जाते हैं। और इंडियन गवर्नमेंट मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने इस ऐप बैन करते हुए ये शिकायत की है, ये शिकायत उन्हें मिली भी है कि बहुत सारे एंड्रॉयड और iOS प्लेटफॉर्म पे मौजूद कुछ मोबाइल ऐप यूजर डेटा को चोरी कर रहे थे। तो जिस रीजन से हमारे भारत में नागरिकों के जो डेटा थे वो लगातार बाहर देश में जा रहे थे, जो हमारे लिए काफ़ी प्रॉब्लमेटिक था और पूरे देश के सिक्योरिटी के लिए काफ़ी प्रॉब्लमेटिक हो सकता था। इस ग्राउंड पे इंडियन गवर्नमेंट ने ऐसा डिसीजन लिया है कि ऐप बैन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो चुका था। तो टोटल 224 ऐप को इंडियन ने अब तक बैन कर दिया, 224 चाइनीज ऐप को बैन कर दिया है। तो पहले जैसे हमने देखा था टिकटॉक बैन हो चुका था, उसके बाद से काफ़ी बड़ा जो ऐप बैन हमने देखा है आज के डेट में जो है पबजी को बैन हो चुके हैं। तो आगे देखेंगे कि इंडिया के पास ऐसा कोई ऑल्टरनेटिव आता है जिससे पबजी की कोई ऑल्टरनेटिव इंडिया लेके आ पाती है कि नहीं, क्योंकि हम ये मान सकते हैं कि जो हमारे ऐप डेवलपर है, जो हमारे गेम डेवलपर हैं, उनके पास एक अपॉर्चुनिटी है कि कुछ ऐसा ऑल्टरनेटिव लेके आए जो पबजी की जगह ले सकें। तो देखते हैं। तो अभी के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना।